बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटे। क्या हुआ बाबूजी? चलो उठो। बाबूजी तुम्हें क्या हुआ है और तुम अचानक से चक्कर खाकर कैसे गिर गए? बेटे तुझे तो पता ही है, इस बार अपनी खेती में तगड़ा नुकसान हुआ है और ऊपर से बैंक वालों का कर्जा भी है। मैं उनके बारे में कुछ सोचने लगा था इसलिए मुझे चक्कर आ गया। और बेटा मैं तेरी माँ के गुजरने के बाद टूट सा गया हूँ। अपने पास 2 महीने हैं, अगर बैंक का कर्जा नहीं उतारा ना तो ना ही अपने पास रहने के लिए घर रहेगा और ना ही ये खेत की ज़मीन। बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करूँगा और अपना कर्जा उतारूँगा। ठीक है बेटा, हो तो जाएगा ना? हाँ बाबूजी हो जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा। माँ जरा खाना ले आना। माँ तुमने खा लिया? बेटे मैंने खा लिया, तुम खाओ बेटे। ठीक है माँ बैठ जा तू। मैं कैसा बेटा हूँ जो अपने पिताजी को 2 वक्त का ठीक से खाना नहीं खिला सकता? बेटा क्या सोच रही आया तू, खाना कैसे न खाता है? कुछ नहीं बाबूजी, आप खाना खाओ। दादी माँ थोड़ा पानी ले आना। बाबूजी। हाँ बेटे। मैं काम की तलाश में बाहर जाता हूँ, तुम इतने यहीं पर आराम करो। ठीक है बेटे तू जा। साहब जी थोड़ा काम मिलेगा क्या? चल रहे तेरे जैसे अनपढ़ों के लिए काम नहीं है यहाँ पे। अरे बाहर निकालो इसे। हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें? भैया मैं सुबह से अपने घर से काम की तलाश में निकला हूँ, क्या आपके पास में थोड़ा सा काम मिलेगा? मैं तुझ जैसे गरीब को काम दूंगा? मैं निकल जाए ऐसे, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के। रचित भाई देखो विराज यार, ये सुबह को जाता है और शाम को आता है, यार ये करता क्या है? चलो आज इससे पूछते। अरे विराज तू सुबह को जाता है शाम को आता है, यार करता क्या है? कहीं चोरी वोरी तो नहीं करने लगा? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं रोज सुबह को अपने घर से काम की तलाश में जाता हूँ और ऐसे ही खाली हाथ वापस आ जाता हूँ। तो भाई विराज तुझे काम नहीं मिला? नहीं भैया मैं 3-4 दिन से परेशान हूँ, मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है। अगर आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता देना। भैया अगर आप मुझे काम दिलवा दोगे तो मैं अपना बैंक का कर्जा उतार दूँगा। देख भाई विराज हम तेरी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यार हम तो खुद अपने माँ बापों से पैसे ले लेके खर्चा करते हैं, हम नहीं कर सकते भाई।
क्या हाल है विराज? हाँ भैया बोलो, क्या बात है? भैया विराज कहाँ था इतने दिन से? बड़े दिनों में दिखाई दिया। कहीं से नहीं भैया, बस काम करके आ रहा था। विराज काम मिल गया तुझे? हाँ भैया, एक दुकान पे काम मिल गया मुझे। विराज भाई, इतने कम पैसों में तुम अपने घर का कर्जा उतार पाओगे? नहीं भैया, मुझे पता, मैं इतने कम पैसों में बैंक का कर्जा नहीं उतार सकता, लेकिन उस पैसे से मैं अपना और अपने बाबूजी का पेट तो भर सकता हूँ। रचित भाई, इन पे इतना कर्जा है, कर्जे में डूबे पड़े भाई ये। अब इनका खानदान ही कर्जे में रह, तू क्या बता रहा है? इंसान अतर रहेगा कर्जा।